brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. सर आज तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पीएम और जो है गृह मंत्री अमित शाह वो लोग डीलर हैं, लीडर नहीं हैं, सौदेबाजी करते हैं। यानी तेजस्वी यादव जी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को। नरेंद्र मोदी देश के जन जन के नेता हैं, अपार बहुमत से कोई प्रधानमंत्री लगातार 10 साल से प्रधानमंत्री, और ये लोग प्रधानमंत्री पद की जो मर्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो रख रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल के नेता जिस तरह के भाषा का उपयोग कर रहे हैं, इसका जवाब देश और बिहार की जनता चुनाव में देने वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार अपमान करना, ये तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की आदत बन गई है, लत लग गई है, और इसका जवाब बिहार की जनता उनको जरूर देगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं माफी मांगता हूं, मेरे शब्द जो हैं अगर इस तरह किसी को ठेस पहुंचे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा, जब मतलब थी तो हमको सुरक्षा दिया गया और जब मतलब निकल गया तो सुरक्षा ले लिया गया। देखिए, सुरक्षा तो थ्रेट परसेप्शन जो होता है उसके आधार पर मिलता है, इसको किसी से मतलब से जोड़ना सही नहीं है। मुकेश सहनी ऐसे भी एक भी उनका ना MLA है ना MP है, वो आजकल सिर्फ तेजस्वी यादव की सुरक्षा में चलते हैं, उनको कौन सी सुरक्षा की जरूरत है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए यह सब बयानबाजी कर रहे हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं तो कभी जात पात। पूरा मुद्दा है, हम डेवलपमेंट के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। इस देश में RJD तुष्टिकरण के नाम पे चुनाव लड़ रही है, हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, और कुछ भी ये कर ले आएंगे मोदी ही।